हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ई स्टडी पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फॉर्म टीसी निकलवाने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, आज मैं उसको बताने वाली हूँ पूरा। तो जुड़े रहे मेरे साथ आखिरी तक। तो आइए हम बात करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले स्कॉलर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है, SR नंबर। तो मैं बता दूं ये ID कार्ड में होता है या तो फिर आप अपने मार्कशीट में देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो जो भी SR नंबर हो वहाँ वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आई थिंक 5 डिजिट का SR नंबर होता है। फिर हम अपनी बात करते हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जिस भी डेट को आप सबमिट करना है वो डेट डालेंगे, जैसे कि आज 9 मई है। फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट का नाम है XYZ जो भी नाम है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर नेम ऑफ फादर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइंग विद कंप्लीट एड्रेस, तो जो भी स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट के फादर का नाम है वो विथ जो भी एड्रेस है आपका वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। फिर नेम ऑफ मदर, तो आप अपने माता जी का नाम भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेम ऑफ गार्जियन विद, फिर से वही पूछ रहा है, तो कोई भी गार्जियन का नाम आप मदर का नाम या फादर का नाम लिख सकते हैं। विद एड्रेस एंड रिलेशनशिप टू द स्टूडेंट, तो अगर आप अपने फादर को गार्जियन बना रहे हैं तो यहाँ पर आप फिर से अपने फादर का नाम लिखेंगे। फिर से जो एड्रेस यहाँ पर आप अपना मेंशन कर रहे हैं, जो भी है एड्रेस आपका, वो यहाँ पर मेंशन करके कॉमा लगा के फिर आप अपना रिलेशनशिप बताएंगे। जैसे अगर आप डॉटर हैं तो डॉटर ऑफ जो भी नाम है, या फिर सन ऑफ जो भी पापा का नाम है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, डॉटर ऑफ XYZ या फिर सन ऑफ XYZ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पूछा है फिर से क्लास एंड सेक्शन मंथ ईयर व्हेन द एडमिशन इज सॉर्ट, तो जब भी आपने स्कूल में एडमिशन लिया था तो उसका साल बताएंगे, किस साल में लिया था आपने एडमिशन। तो अगर आपने 9th में एडमिशन लिया है और 10th हो चुका है आपका और आप अब TC लेना चाहते हैं वहाँ से, तो पहले आप मेंशन करेंगे क्लास एंड सेक्शन। तो जब आपने एडमिशन लिया था तब आप 9th क्लास में थे। फिर सेक्शन अगर ABCD या 1, 2, 3, 4 जो भी होगा वो आप डाल देंगे। मंथ तो इतना किसी को याद नहीं रहता, अगर याद है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे 2019 में आपने 9th में एडमिशन लिया था तो आप ये मेंशन करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं क्लास एंड सेक्शन। अब बात करते हैं उस क्लास की जिस क्लास में आप थे, जैसे कि 10th क्लास में थे तो आप फिर 10th क्लास मेंशन करेंगे। 10th क्लास एंड सेक्शन वही सेम रहेगा। अब आप पूछा गया है पास्ट या फेल्ड, अगर आप पास्ट हुए हैं तो पास्ट मेंशन करेंगे। डिवीजन एंड रोल नंबर आप यहाँ पे अपना मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं रिलीजन और कास्ट पे, धर्म एवं जाति, तो आपका जो भी धर्म है हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर कास्ट जो है जनरल OBC SC ST जो भी आपका कास्ट हो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब पूछ रहा है क्लास एंड सेक्शन एंड मंथ एंड ईयर एट द टाइम ऑफ लीविंग द इंस्टीट्यूशन, तो अब जब आप ये स्कूल छोड़ रहे हैं उस टाइम आप किस क्लास में हैं और किस सेक्शन में हैं। तो अभी आप जैसे 10th क्लास में हैं, आपने 10th क्लास पास आउट करा है, और सेक्शन आपका जो भी है सेक्शन लिखेंगे। फिर पूछा है मंथ या ईयर, तो अभी तो आपको मंथ पता होगा, जैसे अगर आप मार्च या अप्रैल में निकले हैं तो जैसे अप्रैल डाल सकते हैं एंड ईयर डाल सकते हैं 2022 कि आप इस उसमें अपना इंस्टीट्यूशन छोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक लास्ट पूछा है प्रायर टू दिस हैज़ एनी TC बीन इशूड, मतलब इससे पहले अगर आपने कोई TC लिया है तो उसको आपने किस तरीके से प्रयोग किया है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं येस आई हैव यूज्ड इट टू टेक एडमिशन इन अनदर इंस्टीट्यूशन, दूसरे संस्थान में एडमिशन लेने के लिए आपने TC का प्रयोग किया है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप इसमें नोट है कि अगर आपने आई हेयर बाय सर्टिफाई, इस तो काम का नहीं है, बस यहाँ पर आपको भरना है आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट, तो आपको बस यहाँ पर अपना नाम भरना है कि ये मैं ये प्रमाणित करता हूँ, तो आपका जो नाम है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे बस।
उसके बाद एक लास्ट चीज़ पूछी गई, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट और गार्जियन, तो पापा या मम्मी की किसी की भी सिग्नेचर यहाँ पे आप क्लिक करवा लेंगे। तो बस इसके पीछे जो भी है वो आपका काम नहीं है, वो सब टीचर का काम है, तो इसको आपको फिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना आप देख सकते हैं, इसको ही फिल करना है। तो मैंने पूरा एक एक चीज़ डिटेलिंग से बता दिया। अगर आप इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।